बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। उन्नाव गैंग रेप मामले में पीड़ित की सेहत रिपोर्ट आनी है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर पीड़ित की तबीयत अब ठीक है, ये बताया गया है। रिपोर्ट बताती है पीड़ित का इलाज अब पूरा हो चुका है, ये रिपोर्ट कहती है। परिवार कहीं और इलाज कराना चाहे तो करा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया है। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं अविनाश से। तो अविनाश, किस तरह की डिटेल मिल पा रही है? देखिए, जो वकील घायल हुए थे जब रायबरेली में एक्सीडेंट हुआ था, उन्नाव रेप पीड़िता के जो वकील थे, उनके वकील जब एक्सीडेंट हुआ तो उसी में घायल हो गए थे। उसके बाद एम्स में उनका इलाज चल रहा था लगातार अभी तक, और एम्स ने एम्स से इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी थी सुप्रीम कोर्ट ने। पीड़िता की भी रिपोर्ट मांगी गई थी जब पीड़िता उस वक्त अस्वस्थ हुई थी, मतलब इस वक्त बीमार थी, तो दोनों रिपोर्ट मांगी गई थी एम्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। तो आज सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की गई है, जो उनके वकील महेंद्र सिंह है जो घायल हुए थे उस एक्सीडेंट में। एम्स ने अपनी रिपोर्ट बताया कि अब वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, अब आगे अगर उनको उनके परिवार वाले जहां भी इलाज कराने के लिए ले जाना चाहते हैं ले जा सके। क्योंकि अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सभी के हेल्थ अपडेट उनको दिया जाए, उसके बाद होते हैं। जिस प्रकार से पीड़िता का जब हेल्थ अपडेट दिया गया, जब वो पूरी तरीके से ठीक हो गई, तब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही दिल्ली की जो महिला आयोग है उसकी निगरानी में वो पीड़िता रह रही है अभी भी लगातार। तो इसी मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने सभी की रिपोर्ट मांगी थी, अब रिपोर्ट उनकी दे दी गई है वकील की। तो वकील के लिए ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर परिवार वाले कहीं और उनको ले जाना चाहते हैं इलाज कराने के लिए किसी भी कारण से, तो वो ले जा सकते हैं। बिल्कुल अविनाश, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि इलाज कहीं और कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। जो रिपोर्ट आई है स्वास्थ्य को लेकर, उससे भी रूबरू है, वाकिफ है। कुल मिलाकर तबीयत ठीक है उस एक्सीडेंट के बाद। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।